देखो इलेक्ट्रिक डायपोल ये वर्ड केमिस्ट्री के अंदर भी बहुत सुनते हैं आप लोग। स्पेशली एक क्वेश्चन आता है कि वाटर का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्टेड क्यों होता है, तो डायपोल मोमेंट से इसका आंसर दिया भी जाता है। और शायद सुना भी होगा केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट क्या होता है, या यूज करते होंगे ये टर्म। क्या होता है डायपोल मोमेंट, हम क्यों यूज करते हैं डायपोल मोमेंट? स्टेबिलिटी बनाने के लिए बोल रहा है एक, और पोलैरिटी बताता है एक प्लस और माइनस। तो वैसे भी तो बता ही सकते थे एक प्लस है एक माइनस है, ऑक्सीजन नेगेटिव हाइड्रोजन प्लस है, डायपोल मोमेंट क्या करना है? और तो डायपोल मोमेंट इतना क्यों लेके ऐसे ये वेक्टर इधर ये वेक्टर इधर पैरेललोग्राम लगाओ आंसर, तो डायपोल मोमेंट की इंट्रोडक्शन क्यों कर रहे हो? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है फिर? उनमें से डायपोल मोमेंट भी है। डायपोल मोमेंट की जरूरत क्यों है आज आपको थोड़ा सा आइडिया पता लगेगा। आपके केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ कुछ सही बोल रहे हो, बट उसकी एक्चुअल में जो जो उसका इंट्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं फ्रिक्स के साथ जाके अटैच होगा, क्योंकि सारी गेम चार्ज की है और चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक से अटैच्ड है। उसने बोला पोलैरिटी के लिए, बिल्कुल सही है, पोलैरिटी है, एक प्लस है और माइनस है, बता सकते हैं ऐसे भी तो बता सकते हैं प्लस है माइनस है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या चीज है पहले समझते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो अगर प्लस और माइनस क्यू इक्वल इक्वल, मैंने ये नहीं बोला क्यू वन एंड माइनस क्यू वन, मैंने बोला क्यू एंड माइनस क्यू एंड सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर ऐसा कॉम्बिनेशन आपको कहीं मिलता है जहां पर क्यू एंड माइनस क्यू है और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत छोटा है, किसने कहा छोटा कहां है, तो बहुत बड़ा दिख रहा है मुझे यहाँ पे, यहां दिख रहा है क्योंकि ये प्रोजेक्टर बहुत बड़ा बनाया है। रियलिटी में डायपोल ये है, एक प्लस है और एक माइनस है, और आप अंदाजा लगा ही सकते हो ऑक्सीजन हाइड्रोजन में डिस्टेंस होते कितने का है। तो ये इतना छोटा डायपोल है, ये कॉम्बिनेशन को डायपोल बोलते हैं। ये रहा डायपोल, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का एक डायपोल है, प्लस एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस डायपोल है। दूसरा डायपोल ये रहा प्लस एंड माइनस क्यू, तो इस कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। जब प्लस एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब समझ में आ गया, चार्जेस बराबर होने चाहिए, इक्वल एंड ऑपोजिट होने चाहिए, नेचर ऑपोजिट होनी चाहिए, एक प्लस और एक माइनस, और डिस्टेंस बिल्कुल भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, डायपोल बोलते हैं। जहां इलेक्ट्रिक डायपोल है वहां आपको बताया जाएगी एक नई टर्म जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। जो इलेक्ट्रिक डायपोल है उनके बीच में कितना डिस्टेंस लेना है, कितना भी लो, एक्स लो, वाई लो, आर लो, कुछ भी लो, बाय डिफॉल्ट इसमें 2a लिया जाता है, वेयर 2a वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल। कोई कहेगा सर 2 लग गया वैल्यू बड़ी होगी, नहीं नहीं वैल्यू क्यों बड़ी होगी, एक वैल्यू 0.00001 डिस्टेंस है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 0.00002, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता 2 लगने से। एक्चुअल में इसलिए 2a लेते हैं क्योंकि हम सारे डिस्टेंसेस डायपोल के सेंटर से लेते हैं, तो थोड़ा ईजी हो जाता है, आधा डिस्टेंस ए आधा a, मतलब न्यूमेरिकल करना ईजी हो जाता है ए एंड ए, नहीं तो a ले लो फिर a/2 करना पड़ता है, तो 2a स्टैंडर्ड ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक नई टर्म है जिसको डायपोल मोमेंट बोलते हैं, मतलब फिजिक्स में नहीं है, केमिस्ट्री में तो आप करते ही हो डायपोल मोमेंट, जिसका सिंबल छोटा पी होता है। छोटा पी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, छोटे पी डायपोल मोमेंट को कैलकुलेट करने का तरीका, दो चार्जेस में से कोई भी एक चार्ज लो उसका मैग्नीट्यूड क्यू और उसको डिस्टेंस बिटवीन चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, और डिस्टेंस चार्जेस के बीच में कितना है 2a, तो क्यू इंटू 2a, कोई डाउट इसमें? तो डायपोल मोमेंट निकालने का तरीका चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस जो कि कितना है 2a। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है? दूसरा रूल, 2a इज अ डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो वेक्टर होती है, तो अगर ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर है। 2a वेक्टर की डायरेक्शन कहां होती है या डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसे लेनी है, इसके लिए रूल ये है कि डायपोल मोमेंट छोटा पी वेक्टर की डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव।
इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये कन्वेंशन मानी जाती है, याद रहेगी। पी वेक्टर क्यू इंटू टू ए वेक्टर, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड क्यू पी का क्या होगा, क्यू इंटू टू ए, और ये रूल है। और यूनिट्स क्या होंगे डायपोल मोमेंट के, क्यू का मतलब कूलम, टू ए डिस्टेंस है तो मीटर। आंसर मैंने अभी तक आंसर नहीं दिया, हमने डायपोल मोमेंट स्टडी क्यों किया और ये क्यों इंट्रोड्यूस किया। तो डायपोल मोमेंट इसलिए इंट्रोड्यूस किया क्योंकि हम थोड़ी देर में ये देखेंगे, हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में कैलकुलेट करने का एक ही मोटिव होता है, एक ही चीज़ कैलकुलेट की जाती है और वो है ई, कोई चार्ज अपने आसपास कितना फील्ड लगाता है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को स्टडी करना चाहते हैं, हम बड़े बड़े चार्जेस को भी स्टडी करते हैं और बहुत छोटे चार्ज को भी स्टडी करते हैं। छोटे चार्जेस के अंदर डायपोल आ जाते हैं और हम डायपोल के फील्ड को स्टडी करने जा रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल आप लेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन या जो भी लेंगे, वो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाएगा ये मैं कैलकुलेट आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है यहां तक। तो एक डायपोल जिसके अंदर प्लस और माइनस चार्ज है, वो अपने आसपास कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बोलते हैं डायपोल फील्ड। डायपोल फील्ड का मतलब एक डायपोल की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना डायपोल फील्ड। तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक डायपोल इज नोन एज डायपोल फील्ड। जो भी ई की वैल्यू आएगी वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स में मेन मोटिव क्या कैलकुलेट करने का है, ई। हम ये देखेंगे थोड़ी देर में ई की वैल्यू, जिस भी डायपोल का पी बड़ा होगा, डायपोल मोमेंट बड़ा होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बड़ा होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, पी किसका बड़ा होगा, जिसके चार्जेस बड़े होंगे। तो जितना बड़ा चार्ज होगा उतना बड़ा पी होगा, जितना बड़ा पी होगा उतना बड़ा ई होगा, ठीक। तो मतलब ये सब एक शॉर्ट फॉर्म बनाने जा रहे हैं, मैं ऐसे बोलना चाहता हूं कि जितना बड़ा चार्ज होगा डायपोल का उतना ही वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, राइट। इसकी जगह मैं बोलूंगा जितना बड़ा डायपोल मोमेंट होगा उतना ही बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड वो लगाएगा, क्योंकि डायपोल मोमेंट पी बड़ा होने का मतलब इटसेल्फ चार्ज की वैल्यू बड़ी है, राइट। तो ई की वैल्यू को पी की फॉर्म में मैं निकाल के दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, दो डेरिवेशंस करेंगे एनसीईआरटी की। पहली, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर किसके ऊपर, ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का दूसरा नाम एंड ऑन पोजीशन। तो ये आता होता है बोर्ड में तीन नंबर का कि डराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन या एंड ऑन पोजीशन, ठीक। और किसकी एंड ऑन पोजीशन, किसकी एक्सियल लाइन, डायपोल की। आपने एक डायपोल लेना है माइनस क्यू प्लस क्यू, ये क्लियर है। डिस्टेंस क्या होता है डायपोल का, टू ए, क्लियर है। एक्सियल लाइन का मतलब एक्सिस, तो इसके एक्सिस पे एक पॉइंट लिया आपने कोई भी पी, जहां पर आपने क्या निकालना है, ई। तो एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है पी, जहां वैल्यू निकलेगी ई के। ये स्टेप क्लियर है कि क्या करना है। और ये पी पॉइंट डायपोल से कितनी दूरी पे है, वो डिस्टेंस निकाला जाता है फ्रॉम सेंटर ऑफ डायपोल। तो ये मेरा सेंटर ऑफ डायपोल है, इस सेंटर ऑफ डायपोल से इसका डिस्टेंस सपोज कितना है, आर। तो मुझे सेंटर से आर डिस्टेंस दूर किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है यहां तक। तो जहां मुझे ई निकालना है वहां इमेजिन करेंगे चार्ज कितना पड़ा हुआ है, प्लस वन। तो मैंने यहां क्या रखा, प्लस वन। आपको ऐसा फील नहीं आ रहा है न्यूमेरिकल किया हुआ है आज की क्लास में, आज मैंने तीन क्वेश्चन दिए थे, आखिरी वाला यही तो था ई वाला, तो एक्चुअल में वो कुछ नहीं था, वो डेरिवेशन थी, अभी देखना कैसे। तो यहां ई कैसे निकाला था, प्लस वन लिया, इस प्लस वन को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल। तो इसका ई का कॉन्ट्रीब्यूशन बोलो 1/4 πε0 q / ये डिस्टेंस, ये वाला, क्योंकि ये r है, क्योंकि ये आधा कितना है, a है, तो r में से आधा a गया तो क्या बना, r माइनस a। तो यहां पर क्या आएगा, 1/4 πε0 q / r - a का होल
स्क्वायर में स्प्रिंट हो गया, स्क्वायर करो यहां पे एंड में स्क्वायर। ठीक, क्लियर है यहां तक? और ये नेगेटिव चार्ज, ये भी तो ई लगाएगा, डायपोल में दो दो चार्ज है, दोनों ई लगाएंगे। नेगेटिव चार्ज इस प्लस वन को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो वैल्यू ई की क्या होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू का मॉड डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है आर, ये कितना है ए, तो टोटल कितना आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर। क्लियर यहां तक? तो ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, वो नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, बड़ी ई में से छोटी ई की वैल्यू को क्या कर देंगे? माइनस। बोलो डिनोमिनेटर किसका छोटा है? इसका, इसका बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन बड़ी है, तो ई टू इज ग्रेटर देन ई वन, राइट? तुम क्या करेंगे, ई एक्सियल, ई नेट वैल्यू क्या होगी? ई टू माइनस ई वन, कोई डाउट इसमें? तो नेट वैल्यू इज ई टू माइनस ई वन, ई टू की वैल्यू है, ई वन की वैल्यू है, माइनस करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाहर आ गया, माइनस करेंगे एलसीएम क्या बनेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर चल रहे, तो आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। क्लियर? इसे ओपन करेंगे, ये मैंने इसे ओपन किया, ओपन करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ओपन करोगे तो यहां पर प्लस करो प्लीज, ये प्लस बनेगी टर्म, दिस इज प्लस, क्योंकि यहां पर माइनस लगा हुआ है ना, तो उल्टे साइंस हो जाएंगे, तो ए स्क्वायर माइनस हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा, माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी, तो यहां प्लस लगाना प्लीज। ठीक है, कर ली करेक्शन, आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा 4r है। ठीक है, यहां तक 4 को ब्रेक कर लो 2 इंटू टू, एक टू आर के साथ लगा दो, एक टू ए के साथ लगा दो, तो ये टर्म बन गई 2 इंटू टू 4 ही होता है वैसे तो, Q into 2A क्या होता है P, अभी किया P, आंसर आ गया एक्सियल लाइन पे जो फॉर्मूला बनेगा E का वो ये बनेगा, यहां तक ड्राइव करके आना होता है, हो जाएगा एक्सियल लाइन, वही न्यूमेरिकल वाला सेम ही कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें, कोई डाउट इसमें? ठीक, ये वाला 4 को ब्रेक कर लिया 2 into 2, एक टू आर के साथ, एक टू ए के साथ, टू आर इंटू टू ए, क्यू इंटू टू ए डायपोल मोमेंट होता है पी, आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक एक स्पेशल केस है, क्या स्पेशल केस है? स्पेशल केस है कि आपका जो डायपोल है उसमें ए तो बहुत छोटा है, मतलब डायपोल तो बहुत ही छोटा है ये लो, लेकिन आर बहुत बड़ा है, यानी कि डायपोल में ए छोटा है पर आप E बहुत दूर निकालना चाहते हो डायपोल की वजह से, इसको बोलते हैं शॉर्ट डायपोल। शॉर्ट डायपोल बहुत छोटे डायपोल होते हैं जिसमें A बहुत छोटा होता है, R बड़ा होता है, तो शॉर्ट डायपोल की कंडीशन क्या होती है? R बहुत बड़ा होता है A से, तो ऊपर वाले फॉर्मूले में R बहुत बड़ा है A से, तो A ऑलमोस्ट कैन बी निग्लेक्टेड, तो A निग्लेक्टेड है, इसको आइडल डायपोल भी बोलते हैं जिसमें A अप्रोक्सीमेटली बहुत छोटा होता है, तो R बहुत बड़ा है A से, तो A को छोड़ दो, R इज टू पावर 4, आर से आर कैंसल, तो ये फॉर्मूला लगेगा। न्यूमेरिकल में इससे करना बहुत मुश्किल है, बड़ी कैलकुलेशन है, और वैसे भी न्यूमेरिकल में ए बहुत छोटा होता है, जैसे 0.001 मीटर, उसका स्क्वायर सोचो 0.0001, कौन करेगा डिनोमिनेटर में इतनी बड़ी कैलकुलेशन, तो सारी बुक्स क्या करती हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालती हैं इससे, तो एक्सेल का कोई फॉर्मूला आएगा हम ऐसे ही करेंगे, फॉर्मूला याद रहेगा एक्सेल का 2p/r³। क्लियर? और पी क्या होता है? क्यू इंटू टू ए। अब एक नोट है इसमें, इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू और सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने अभी क्या डराइव किया, ये कितना है माइनस क्यू, ये कितना है प्लस क्यू, एक्सियल लाइन पे हमने ई निकाला, हमने चार्ज क्या रखा प्लस वन, हमने कैसे किया, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा रिपेल, और माइनस क्या करेगा अट्रैक्ट, फिर हमने देखा E2 E1 से बड़ा था तो नेट E क्या आया था E2 माइनस E1, यही किया डेरिवेशन में, नेट E कहां आया, कौन बड़ा है E2 की E1, A2 बड़ा है, E2 की डायरेक्शन कहां है टुवर्ड्स राइट, तो नेट E की डायरेक्शन भी कहां आएगी टुवर्ड्स राइट, ये सही है, और डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, माइनस से प्लस, तो क्वेश्चन आएगा
एंगल बताओ ऑब्जेक्टिव में किसके किसके बीच में, डायपोल मोमेंट में, पी वेक्टर में और ई एक्सियल में, नेट ई में, दोनों के दोनों आ रहे हैं सेम डायरेक्शन, तो एंगल उनके बीच में क्या आएगा, जीरो। याद रहेगा कि एक्सियल लाइन में जो नेट ई आता है और जो डायपोल मोमेंट होता है दोनों में डायरेक्शन सेम होती है और नेट आंसर क्या आएगा, जीरो। आगे भी देखना होता है, फोन यूज कर रहे हो, कोई बात। देखो पॉइंट समझ में आ गया, तो E की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R का क्यूब होगी इस केस में, तो एक्सियल लाइन क्लियर है। लास्ट केस जो आज हमने करना है सिर्फ यहां तक करना है, इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन। तो ये आपका एक डायपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू टू ए, ये लाइन क्या होगी, इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, क्लियर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पे आर डिस्टेंस पे मुझे क्या निकालना है, ई। कोई डाउट इसमें, तो आर डिस्टेंस पे ई निकाल लें, जहां ई निकालना है वहां चार्ज क्या एज्यूम करना है, प्लस वन। तो इक्वेटोरियल लाइन का दूसरा नाम क्या होगा, ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन, ब्रॉड साइड पोजिशन। याद रखना सीबीएसई एनसीईआरटी ये टर्म्स यूज करती है, पता लगे मेरे को तो इक्वेटोरियल करवाया ही नहीं, या मेरे को तो ब्रॉड साइड ही नहीं करवाया, साथ साथ लिख रहा हूं मैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। वैसे तो आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चन भी दूंगा कि कैसे कैसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप प्लीज वो सारा साथ साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो मैं आपको देने वाला हूं, मैं भी नेक्स्ट क्लास में दूंगा प्रिंट आउट सारे, ठीक, चैप्टर वाइज दूंगा, फोर्स का फोर्स के साथ, फील्ड का फील्ड के साथ। मोटी किताब दूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, करोगे नहीं, ठीक। कैसे करना है, आपको लगता नहीं कि जैसे ये न्यूमेरिकल किया हुआ है, आज किया ना, ये ना मैं यही तो करवाया था। देखो क्या करवाया, माइनस क्यू प्लस क्यू ए ए आर, ये प्लस क्यू इस प्लस क्यू को प्लस वन को क्या करेगा, रिपेल। यही हुआ थी, यही हुई थी बात, ये आर है ये ए है तो रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ई की वैल्यू इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय इसका स्क्वायर, ये माइनस प्लस को क्या करेगा अट्रैक्ट, तो E की वैल्यू इस तरफ आएगी, तो ये थीटा थीटा कॉरस्पॉन्डिंग सेम, E का एक कॉम्पोनेंट E cos थीटा E sin थीटा, इस E का कॉम्पोनेंट E cos थीटा E sin थीटा, sin sin कैंसिल, नेट वैल्यू क्या आएगी 2E, बोला था 2E cos थीटा आज प्रूव किया हमने। E की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय इसका स्क्वायर ये रहा, और cos थीटा क्या होगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर रेस टू पावर 3/2, क्लियर है यहां तक। और ऊपर क्यू इंटू ये देखो 2 चल रहा है, क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a क्या होता है डायपोल मोमेंट पी, हो गया ड्राइव, तो इक्वेटोरियल लाइन का रिजल्ट आ जाएगा। उल्टा खुद ही बना लेना, इसमें दिक्कत ही नहीं है कोई भी, कोई डाउट इसमें। शॉर्ट डायपोल क्या होता है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन ए, तो एक काम करो R greater than A में ऊपर वाले फॉर्मूले में A को अप्रोक्सीमेटली 0 पुट कर दो, ये लो, जब यहां पे 0 पुट करोगे R square की पावर क्या आएगी 3/2 कैंसिल आंसर, तो अगेन E इक्वेटोरियल लाइन पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ठीक है। नोट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी अभी क्या किया, माइनस क्यू प्लस क्यू पी किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, नेट आंसर 2e cos थीटा कहां आया था इस तरफ, डायपोल मोमेंट p वेक्टर कहां होता है माइनस से प्लस, तो नेट e की वैल्यू और p वेक्टर में डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एंगल उनके बीच में क्या मार्क होगा 180, एक्सियल में क्या मार्क हुआ था इक्वेटोरियल में 180, ठीक है यहां तक। तो जब न्यूमेरिकल आएगा तो एक्सियल का क्या फॉर्मूला यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, इक्वेटोरियल में सिर्फ p/r³, तो ये तो बढ़िया हो गया। एक्सेल का फॉर्मूला निकालो, दो पार्ट आते हैं, एक्सेल में e निकालो, इक्वेटोरियल में निकालो, पहले एक्सेल सॉल्व कर लो, इक्वेटोरियल सॉल्व क्यों कर रहे हो, डिवाइड बाय 2 का ही तो फर्क है, या पहले इक्वेटोरियल कर लो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, एक्सेल की वैल्यू आ जाती है। तो फॉर्मूला याद रहेगा, एक में 2 आता है एक में 2 नहीं आता, ठीक है यहां तक।
कोई डाउट यहां तक? ठीक,